समावेशी संस्कृति का संपूर्ण विश्व के प्रति संवेदना रखने वाले हमारी संस्कृति का स्वाभिमान और स्वावलंबन के बलकर सुरक्षा प्राप्त करके उसका उपयोग परोपकार के लिए करने का ये जो स्वभाव है, उस स्वभाव का समय समय पर जागरण हुआ है और तब हमारे देश का संकट दूर हुआ है, दुनिया का संकट हमारे देश के द्वारा दूर किया गया है। इस वर्ष भी ऐसा योग है। एक भयानक बर्बर आक्रमण की आंधी बाबर के रूप में वायव्य दिशा से आई, उसने हमारे देश के न हिंदुओं को बख्शा न मुसलमानों को बख्शा। और उसके नीचे समाज रौंदा जाने लगा, क्योंकि समाज की अपनी कमियां भी थी, वो अपने स्वत्व को भूल गया था, अधर्माचरण में डूब गया था, स्वार्थ प्रबल हो गए, भेद चौड़े हो गए, दंभ मिथ्याचार इनके वश में होकर सब प्रकार का प्रतिकूल आचरण समाज का हो रहा था। और इसलिए दूर से आए एक मुट्ठी भर लोगों को साथ लेकर आक्रमण करने वाले एक बर्बर असभ्य आक्रमक को हमारे देश के सारे लड़ाइयों में जीत मिलने लगी और हम उसके अत्याचार के शिकार हुए। तब 550 वर्ष पहले श्री गुरु नानक देव जी का आविर्भाव, उनका प्रकाश इस देश में हुआ और समाज की स्थिति को जानते हुए अपने आध्यात्मिक साधना के बल पर उन्होंने एक युगानुकूल आध्यात्मिक आचरण का मार्ग समाज के लिए फिर से आविष्कृत किया। भटकी हुई विकृत हुई परंपराओं का शोधन उन्होंने किया और समाज को युगानुकूल धर्म के आचरण पर खड़ा करते हुए उसमें जो आत्मोद्धार का बल भरा, समाज के भटकाव का संशोधन करते हुए उसमें जो नवजीवन एकात्मता की भावना उन्होंने भरी, उसका परिणाम यह हुआ कि उस परंपरा में उनके सहित जो 10 गुरु हमारे हो गए, उनके बलबूते इस सारी परिस्थिति का प्रतिकार समाज के द्वारा हुआ और हम उस गुलामी के अंधकार से और पतन की गर्त से बाहर निकलकर फिर से धर्माचरण पर कायम हुए, स्वतंत्र रूप से कायम हो सके।